हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अनन्या और आप देख रहे हैं फूडी वेदर। तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कुछ स्पेशल। आज हम जाएंगे एक जगह और वहाँ पे अभी आपको बताऊंगा नहीं कहाँ जाने वाले, वहाँ जाएंगे और फिर आपको कुछ नई चीज़ें दिखाएंगे। चलिए चलिए। गुड मॉर्निंग सर, जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे आपका रिव्यू लेने आए हैं कृष्णा स्वीट्स। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि इस टाइम लोग आपसे छोले भटूरे खाएंगे, तो सुबह के नाश्ते में आप क्या क्या रखते हैं? हम बस छोले भटूरे हैं, दही जलेबी है। छोले भटूरे और दही जलेबी है, समोसे हैं, समोसे और खस्ता। अच्छा अच्छा, तो क्या सब फ्रेश रहता है सारा आइटम? सुबह सुबह बनवाते हैं आप सब? सुबह बनेगा। अच्छा अच्छा, और जैसे मैं छोटे से देख रहा हूँ आपकी दुकान को, फिर दुकान को कितने साल हो चुके हैं? हमारी दुकान को 35 साल लग गए। 35 साल हो चुके हैं, अरे वाह। तो चलिए अब हम लोग आपका फूड हम लोग पेश करेंगे छोले भटूरे, और उसके बाद बताएंगे कि कैसा क्या, जैसे अच्छाइयाँ कमियाँ, अगर कमी नहीं होगी तो हम आपको बता ही देंगे, और कमी जो होगी वो हम आपको बता देंगे, और वीडियो में भी ये बात कहेंगे कि इस चीज़ में आप ध्यान दें। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग आज खा रहे हैं, और हमारे छोले भटूरे आप देख सकते हैं बहुत डिलीशियस लग रहे देखने में, और अभी हम खाएंगे। और ये जो दुकान है ये पूरे गोला में सबसे पहली ऐसी दुकान थी जो सबसे पहले छोले भटूरे जिन्होंने स्टार्ट किया था बेचना, 25 साल पहले से वो छोले भटूरे बना रहे हैं, और अब हम इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसा लगेगा। स्पाइसी अच्छा लग रहा है, और मिर्च मसाले एकदम परफेक्ट है और बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सब खा लिया है देख सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बीच में फिलिंग ऑयल की कुछ ज़्यादा थी, फिलिंग ऑयल की कुछ ज़्यादा थी, लेकिन मैंने इनसे बात करी और उन्होंने कहा कि इस फिलिंग्स को भी वो कम कर देंगे। और खाने में मुझे छोले भटूरे बहुत अच्छे लगे, और मैं चाहता हूँ कि जैसे आप भी यहाँ आएँ और बताइए कि वो फीलिंग्स पूरी होंगी या फिर नहीं हुई। और प्लीज़ गाइस ये भी बता दीजिए कि यहाँ पे क्या अब कोई नई जगह खुला है जहाँ पे रिव्यू हम दे सकें। थैंक यू।